channel Expos Lean Sahil Official. Stay tuned. अस्वीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। आलम स्केप्टिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आलम स्केप्टिक साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आदाब साहिब भाई। आदाब आदाब, कैसे आप? जी आप अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। तो कुरान के अंदर जो एक मतलब क्या आप समझते हैं कि कुरान के अंदर कोई क्वालिटी है? Absolutely बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, ये तो एक क्या सेंस में, क्या सेंस में बोल रहे हो आप? कुरान एज ए रिलीजियस बुक सर, कोई भी एक क्वालिटी दिखा लें, देख लें सर, जो जिनकी सबसे आला क्वालिटी है वो दिखा दें। इट हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल बुक अमंग रिलीजियस बुक्स इन टर्म्स ऑफ रैशनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ सर एक क्वालिटी दिखाएं, रैशनैलिटी कुरान की। रैशनैलिटी कुरान में आपको रैशनैलिटी मिली भाई आलम भाई? रैशनैलिटी यानी जो जिस तरीके से सोचने पर मजबूर करता है कुरान, एक क्वालिटी देना सर सोचने की। क्या रैशनल लगा आपको बताइए कुरान में? हम आपको अभी लाइन से कितनी सारी चीजें बता सकते हैं जो रैशनैलिटी के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं, ये एक कंप्लीट बुक इसलिए है कि हम उसको एनालाइज करें, कि उसके आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करें, उसकी उसकी लताफत, उसकी बयानात, उसकी रैशनैलिटी, उसकी जो भी कहां है रैशनैलिटी, वही तो बता रहा हूं भाई, मेरे भाई रैशनैलिटी कहां है कुरान में? नहीं साहिल भाई, कुछ इसके पॉइंट एक मिनट मानता हूँ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कुरान अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह ने जमीन व आसमान से कहा कि अपनी मर्जी से करीब में आ जाओ या जबरदस्ती करीब में आ जाओ, तो वो अपनी मर्जी से, उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से करीब में आते हैं, ये रैशनल बात है? इसके अंदर रैशनैलिटी है? मैं इसको रैशनलिटी कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये वीकनेसेस खत्म ना, जो चीज रैशनल नहीं है तो वो फिर अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से आप उसको कैसे मान सकते हो? मैं ये हजम नहीं कर पा रहा हूँ कि जो कुरान के अंदर जो उसकी बयान में जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, वो ऐसे नहीं लगता कि वो आदमी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपके पास एक दूध का गिलास है, ठीक है जी, दूध का गिलास है आपके पास, भैंस का दूध है, मस्त मलाई वाला, उसमें मैं एक कतरा पेशाब का डाल दूं, वो दूध पियोगे आप? नहीं, नहीं पी सकते। खत्म ना, आपको कितनी भी स्ट्रेंथ लग रही हो इस किताब में, लेकिन इसमें जब बोंगिया मौजूद है, खत्म हो गई उसकी सारी अच्छाई, खत्म हो गई अभी। ठीक है, अगर अगर ऐसा है तो हम मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब ये किताब उनकी है, उन्होंने लिखा, या फिर उन्होंने जाहो जलाल या मतलब स्टेट पाने के लिए, पावर पाने के लिए ऐसा किया? बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ मैं जब इस पॉइंट्स को लेके एनालाइज करता हूँ, जैसे चलो कंसिडर करते हैं कि पावर चाहते थे वो, तो मैं जब उस पॉइंट को लेकर कुरान को पढ़ता हूँ तो वो कॉन्ट्रेडिक्ट करता है मेरे दिमाग में, क्योंकि पावर लेने वाला ऐसी बातें नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? जिस पियोसनेस के साथ उसकी बातें निकलती हैं, मतलब आप सूरह कलम खोल दीजिए, उसमें मतलब जिस अच्छा, तरह से पावर सुनो मेरी बात सुनो, कलम को छोड़ दो, पावर जिसको नहीं लेना है, ठीक है, वो ये बात क्यों कहेगा कि तुम जाके लड़ाई करो अहले किताब से, कि वो जब तक के वो दीन को ना माने, अगर नहीं माने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कानून को, तो उनसे जो है वो जिजिया ले, यहां तक के वो नीचे होके जिजिया दे। पावर नहीं लेने वाला ऐसी बात कहेगा क्या? जब तुम अपर हैंड हो तो तुम पीस को मत पसंद करो, तुम जाके जो है वो लड़ाई करो, इस तरीके की बातें जो है वो पावर वाला इंसान नहीं करेगा, पावर लेने वाला तो कौन करेगा? देखिए 200 साल पहले, उससे पहले के जमानों में डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा पाया नहीं जाता था, तो किसी का इन्फ्लुएंस और किसी का पावर ही चलता था दुनिया में। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। तो फिर आप अपनी बात से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हो। किंग एंड एम्पायर सिस्टम था, आज हम अपने मॉडर्न जमाने में इकोनॉमी। चेन्नई से 80-85 किलोमीटर दूर उत्तरा मेरूर नाम के गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाई देता है। इस गांव में चोल साम्राज्य के दौरान 10वीं शताब्दी में
पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है, 10th century, और इसमें बताया गया है कि कैसे हर गांव को कुडुम में कैटेगराइज किया जाता था, जिनको अगर आज की भाषा में कहना है तो हम आज उसको एक वार्ड कह सकते हैं। उन कुडुम्बों से एक एक प्रतिनिधि महासभा में भेजा जाता था, और साथियों 1000 वर्ष पूर्व बनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण थी। उस पत्थर पर लिखा हुआ है, उस शिलालेख में वर्णन है इसका, और उसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का भी प्रावधान था उस जमाने में। और नियम क्या था? नियम यह था कि जो जनप्रतिनिधि अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा, वो और उसके करीबी रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा, सुनो, आपको नहीं, बिल्कुल जज करेंगे, फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह का जो कानून है वो आज के जमाने के लिए आउटडेटेड है। रसूलुल्लाह का कानून, लॉ तो हमेशा चेंज होता रहेगा ना, उस कानून को नहीं ना, कुरान का लॉ नहीं चेंज हो सकता ना कयामत तक के लिए ना किताब। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है, ये कयामत तक के लिए है ना। ये तो प्रिंसिपल्स के लिए होगा ना वो, तो प्रिंसिपल आप देख भाई, प्रिंसिपल देखो ना, प्रिंसिपल रसूलुल्लाह का क्या है, तालीमात क्या है कि अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करे तो उनको जो है जिजिया दो, अगर जिजिया भी नहीं देने के लिए रेडी है तो जंग के लिए रेडी हो जाओ। ये प्रिंसिपल है उनका, इस्लाम का प्रिंसिपल है ये, तो ये पावर ग्रैबिंग तो है ये। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ आयतें बताता हूँ, वो मतलब वो भाई सॉफ्ट आयतें छोड़ दो, मैं जिन आयतों की बात कर रहा हूँ आप उसके ऊपर मुझे जवाब दो। सॉफ्ट आयतों को छोड़ दो, वो मक्की आयतों को छोड़ दो, आप जब उनके पास ताकत नहीं थी वो आयतों को छोड़ दो, वो तो मैं भी कर लूंगा। जब मैं पावर में नहीं हूं तो जाहिर सी बात है मुझे आस पास वालों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, उनके साथ जो है मिलजुल के रहना पड़ेगा, उनसे दोस्ती बनाना पड़ेगा, उनको अपने तौर पे ऑप्शन देना पड़ेगा कि भाई तुम अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, वो मत बताओ। मैंने जो बातें बताई है जिससे पावर ग्रैबिंग जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, उसका आप क्या करोगे? पावर ग्रैबिंग वाला रिलीजन को मतलब इतनी कंसिस्टेंट वे में क्यों प्रोड्यूस करेगा, वो तो इनकंसिस्टेंसी है। ये कंसिस्टेंसी है कि ये एक इंसान, तो इस्लामिक, सुनो मेरी बात सुनो, आप जंग की बात छोड़ दीजिए, जंग की नहीं क्यों छोड़ू, एक मिनट मेरे भाई आलम स्केप्टिक साहब, एक इंसान आके ये कहता है कि मेरा, मुझे कमांड किया गया है कि फाइट करो जब तक के एक इंसान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे, फिर वो कहता है मेरा मकसद जो है एक नबूवत का जो अंबिया का जो एक फरीजा होता है वो बुतों को तोड़ना है, ये इंसान, ये पावर ग्रैबिंग नहीं है तो क्या है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, मतलब जब दो आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे पर हमलावर होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ की है, रसूलुल्लाह ने जो जंगे लड़ी थी और सहाबा ने जो उसको कैरी फॉरवर्ड किया था वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कर रही थी, ये तो सामने से जाके उनको ऑप्शन दे रहे थे कि इस्लाम कबूल करो वरना जिजिया दो वरना फिर लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ। तो वही ना, जब इनका पावर हो गया, जब ये स्टेट, मतलब स्टेट जब इनका हो गया तो जब ये अपनी बात करेंगे ना, एग्जैक्टली तो ये आते हैं, तो एग्जैक्टली नाउ यू हैव कम टू द पॉइंट, सी ब्रदर, नाउ यू हैव कम टू द पॉइंट, अभी आपने कहा कि जब पावर में आ जाएंगे आप तब आप यही करोगे जो ये सूरह की आयत बता रही है, और इसी को पावर ग्रैबिंग कहते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, वैसा ही तो चलता है ना, मतलब जो हमारा निजाम है नहीं चलता है, आपका इस्लाम में चलता है।
देखिए साहिल भाई, जिजिया क्या है समझिए पहले उसको, अब मुसलमानों के पास से माल गनीमत यानी उनका जो जकात है वो लिया जा रहा है, लेकिन जो स्टेट के अंदर दूसरे जो नहीं मानने वाले, नहीं खुदा को नहीं मानने वाले, वो तो जकात नहीं देंगे, तो आपको जिजिया देना पड़ेगा। क्यों क्यों टैक्स कभी भी, सुनो मेरी बात, एक मिनट एक मिनट मेरे भाई सुनो, टैक्स कभी भी रिलीजन की बिलीफ की बुनियाद पे नहीं हो सकता। तुम्हारे ऊपर टैक्स रिलीजन की बुनियाद पे लगाया किसी ने? नहीं, हिंदुस्तान में रहते हो ना, देखिए तुम हिंदुस्तान में रहते हो, कोई अपना काम करना चाहता है, कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और उसके लिए चंदा लेना चाहता है, तो वो टैक्स ही हुआ ना, मतलब नहीं क्या आएगा? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। एक पॉइंट जो निकला है वो हमको पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपने पहले कहा था कि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है या ये ग्रैब करना नहीं चाहता है, मैंने साबित किया और आपने अपने मुंह से खुद कहा कि पावर आ जाएगा तो ये ग्रैबिंग होगी, ये बात क्लियर हो गई थी, ये इसमें आप जो है वो गलत साबित हुए। दूसरी चीज आपने अभी ये मॉडर्न इकोनॉमी की टैक्स जो है वो भी ग्रैबिंग ही है, मैं कह रहा हूं। नहीं मैं नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि डेमोक्रेटिक जो स्टेट होता है, डेमोक्रेटिक जो रूल होता है वहां पे आप इनकम टैक्स के हिसाब से लेते हो, रिलीजियस स्टेट जहां पे होगा वहां पे आप रिलीजन के हिसाब से लोगे। मैं आपसे एक एग्जांपल मांग रहा हूं, आपके पास कोई एग्जांपल है इस्लाम के अलावा जहां पे रिलीजन की बेसिस पे आपसे टैक्स लिया जाता है आज के मॉडर्न जमाने में? अरे कोई भी जमाने में बता दो भाई, मॉडर्न जमाने में है क्या? हाँ तो प्रॉफिट का ही स्टेट था ना, मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने दूसरा एक एग्जांपल बताना है। आज के मॉडर्न जमाने में कोई स्टेट भी रिलीजियस स्टेट नहीं है। कौन से जमाने में इस्लाम के अलावा रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लेते थे, प्लीज एग्जांपल? अब मैं सारी हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं हूँ जो हर एक जमाने का, मैं आपको तो वो पढ़ के आओ फिर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, मेरी बात सुनो भाई, मैं रिवाइंड कर देता हूँ। हमारा डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि आपने कहा था कि आपको भी इसमें कई सारी चीजों में रैशनैलिटी नहीं लगती, फिर हम परसेंटेज पे आए तो आपने कहा 80%, मैं आपके हिसाब से चला, मैंने कहा 20% जो है उसका क्या किया जाए, ठीक है, उस पर मैंने आपको मिसाल भी दी, और मैंने आपको फिर ये भी कहा कि भाई ये आपने कहा कि ये किताब जो है इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट इसमें आपको नजर आता है, बड़ी इंटेलेक्चुअल किताब है, हमने वहां भी देखा कि इसमें इंटेलेक्चुअल नाम की चीज है ही नहीं, मैसेज के ऊपर आए वहां भी नहीं था, फिर उसके बाद आप आए कि रसूलुल्लाह की जिंदगी क्या थी और वो पावर ग्रैबिंग था या नहीं था, उसमें हम आए, वहां पे भी साबित हुआ कि वो पावर ग्रैबिंग ही था, उसके बाद फिर हम टैक्स पर आए, जिजिया पर आए, आपने कहा कि भाई डेमोक्रेटिक में अलग होता है रिलीजियस में अलग होता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको देने के लिए कहा, आपने कहा कि मैंने नहीं पढ़ा है। देखिए जो क्राइटेरिया डिस्कस हो रहा है वो रिलीजन सेकेंडरी हो रहा है, इनकम के ऊपर ही लिया जा रहा है, क्या ये गरीब को मार के लिया जाएगा? नहीं एक मिनट, नहीं मेरी बात वो नहीं आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह को रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लगाना चाहिए था या फिर इनकम के बेसिस पे लगाना चाहिए था, व्हाट इज फार बेटर फॉर यू? उनके जमाने में रिलीजन स्टेट था तो रिलीजन के बेसिस पे लगाया जाएगा ना। सो यू थिंक रिलीजन के बेसिस पे लगाना इज फार बेटर देन इनकम के बेसिस पे लगाना? आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट क्यों देख रहे हैं? मैं आपको इसको पूरे अंदर डिस्टिंक्शंस दिखा रहा हूँ क्या चीज है। नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों से जो जकात ली जा रही है वो अल्लाह के नाम पर ली जा रही है, अगर वो क्यों ली जा रही है, एक मिनट सुनिए तो सही, क्यों ली जा रही है? मैं ये कह रहा हूँ ज़कात जो ली जा रही है वो खुदा के बिलीव के नाम पे ली जा रही है, मतलब क्यों? वो खुदा पे बिलीव करता है कि मैं ज़कात दूंगा तो मुझे अल्लाह इनाम देगा, क़यामत में मुझे जज़ा देगा, उसका डबल इनाम देगा। अच्छा इनकम जो बिलीव अच्छा, नहीं करता वो ज़कात क्यों देगा? अच्छा तो दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया होना चाहिए था। कौन सा क्राइटेरिया? मतलब जो क्राइटेरिया है, जो परसेंटेज लेना है, वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए था फिर, भले से आप उसको नाम अलग दे देते, ठीक है सेम होना चाहिए। ये फंस गया सीएम। हाँ सेम है, उसके मुझे उसके बारे में मुझे सेम होगा या ज्यादा होगा पता नहीं है, क्या है अब खत्म ना यार, आप बताइए सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि ये दोनों अलग अलग है तो आप फिर मानेंगे कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है?
नहीं, कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा, आप कोई बादशाह बाद में आया तो होगा, कैसे हो सकता है? ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम आप ज्यादा बता दीजिए, मैं उसको नहीं, सेम आप बता रहे हो ना कि सेम है, आप बता दीजिए सेम है। ठीक है, आप बता दीजिए प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम ज्यादा था, बता दीजिए। मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको फिर मानना पड़ेगा कि ये जो कानून है ये सिरे से ही गलत है इस्लाम का। ठीक है, मैं मान लूंगा कि मॉरली गलत है। ओके, तो इस्लाम फिर गलत साबित हो जाएगा ना मॉरली, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी बाहर निकालना, बाहर निकलना आसानी हो जाएगी। 80 वो 20 से 21 हो जाएगा फिर। 20 से 21 मतलब जो रैशनैलिटी, मतलब जो रेंज है मेरा बिलीफ का 80 to 20, वो 21 हो जाएगा। मतलब जब तक बाहर आना तो तब, मतलब फिर भी आप उसको अल्लाह की किताब मानोगे, इरेशनल होते हुए भी आप उसको अल्लाह की किताब मानोगे। साहिल भाई गुस्सा मत होइए, मैं कहां गुस्सा हो रहा भाई, आपको क्या बता रहे हो? कुरान से ही बता रहा हूँ ना उसको। कुरान से आप दोनों का परसेंटेज बता दीजिए, अगर आप कुरान पे रहना चाहते हो तो आपको कुरान से बताना पड़ेगा कि जकात कितना लेना है। कुरान में नहीं है वो, मतलब कितना देना है कुरान तो में आपकी किताब जो है वो तो अधूरी है, कि क्या दें? देखिए अधूरी है आपकी किताब। ये जो जकात देना कितना देना है वो तो फिक्र के इमाम और स्टेट का जो वो सब बाद में। अरे मेरे भाई, अच्छा एक मिनट, ये जो एक मिनट मेरे भाई, ये धोखाधड़ी से काम नहीं चलेगा। आपने कहा कि ये जो इमाम है या स्टेट है ये फिक्स करेगा, इसकी दलील कुरान से दे दो कि जकात जो है परसेंटेज ये इमाम फिक्स करेगा। देखिए कुरान के अंदर पूछा गया कि जकात देना है कितना खर्च करना है, कितना देना है कितना, तो कुरान का जवाब है कि कहो तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो अल्लाह की राह में खर्च करो, बस इतना सा एक कितना बताया गया। मतलब एक मिनट, आपने कहा कि जितना बच जाता है, सुनो, अरे सुनो ना मेरे भाई, तुम्हारी इस बात से अगर मैं चलूं कि आपको जितना जरूरत है उसके बाद जो आपका बच जाता है वो आपको जकात में दे देना है, मतलब आप 1,00,000 रुपया कमाते हो, ठीक है, आपकी जरूरत खाने पीने की, कपड़ा पहनने की, घर की, सब की, आपकी समझो 25,000 रुपए में आपकी पूरी जरूरत पूरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आपका 75,000 जो है ये पूरा बच जाता है आपका। तो ये आपके लॉजिक के हिसाब से एक इंसान को 75,000 जो है पूरा जकात में दे देना चाहिए, राइट? नहीं, वो जो आप ऐसे डिस्टिंक्शन करेंगे तो मतलब मुश्किल हो जाएगा। देखिए वहां पे बात की नजाकत को समझिए साहिल भाई। अरे आपने तो बताया ये बात, आपके पास ये क्राइटेरिया आपने तो बताया अभी, कहां तक का है क्राइटेरिया? जरूरत होगी पैसे के लिए स्टेट को जब तक पैसे। अरे स्टेट कहां से आया इधर स्टेट? अच्छा ये बताओ कि जकात जो है वो स्टेट को देना है, कुरान से बताओ। आपको स्टेट का भी डेफिनेशन नहीं पता है? अरे कुरान में मुझे स्टेट का पता छोड़ दो यार, मुझे ये बताओ कि कुरान में ये कहा गया है कि जकात आपको स्टेट को देना है। आपके पास जरा भी एक भी आपके आर्ग्यूमेंट पे आप लास्ट तक जो है ना टिकते नहीं हो। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। स्टेट को आपने स्टेट वगैरह, साहिल भाई ये जो टर्म्स हैं स्टेट वगैरह ये अब इजाद हुई है मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम में। तो ये स्टेट को देना है ये कहाँ है? बताओ कुरान में किसको देना था? बताओ कुरान में फाइनेंस, एक मिनट, इकोनॉमी बताओ, कुरान ज़कात किसको देना है? ज़कात किसको देना है? ज़कात गरीब को देना है, जहाँ भी जरूरत, मतलब गरीब को देना है ना, अंदर देना है। तो स्टेट तो नहीं आया फिर इधर, मतलब स्टेट की बात कहाँ से आई फिर? ज़कात गरीब को देना है ना। हाँ तो ये स्टेट को बीच में क्यों ला रहे हो? हाँ तो जो यार जो एडमिनिस्ट्रेशन, एक मिनट जो किसने कहा आपको स्टेट किसे कहते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ स्टेट किसे कहते हैं? किसने कहा आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन वो निकालेगा? किसने कहा आपको? साहिल भाई आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? मैं आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आप ये नया जो नाटक लेके आए हो ना, कुरान कुरान कुरान,
कुरान इतनी इनकम्प्लीट किताब है कि एक चीज भी आप साबित नहीं कर सकते हो, ये आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ भी नहीं है कुरान में। तो आप भी तो साथ ऐसे बोलने से तो नहीं होगा ना। अरे तो बताओ ना फिर, अगर मैं गलत हूं तो बोलने से नहीं होगा, साबित करने से होगा। अब मैं बोलूंगा कुरान इज सुप्रीम, अगर रैशनल किताब है तो भी आप नहीं मानेंगे ना, बोलने से तो नहीं होगा। आप मान चुके हो कि रैशनल नहीं है पूरी, आप खुद मान चुके हो। तो मैं कह रहा हूं कि डाउट्स हैं इसके अंदर, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, इसकी स्ट्रेंथ भी है। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। आप फिर दूध में जो है पेशाब मिला के भी पीना शुरू कर दो, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उसमें दूध ज्यादा है, 0.001% पेशाब है, तो पी लो उसमें डाल के। हम आपके हिसाब से नहीं चलते, हम इतने इलॉजिकल नहीं है कि आपके हिसाब से चले। पियो आप, आपको कौन मना कर रहा है? ठीक है साहिल भाई, आप लॉजिकल हैं, आप इलॉजिकल रहो। सुनो, आप इलॉजिकल रहो, आप मानो, कोई मुश्किल नहीं। कम से कम ये तो मत बताओ कि आप बहुत लॉजिकल हो, आप इलॉजिकल देख के मानो। मैं कब बोला कि मैं लॉजिकल हूँ? एग्जैक्टली, हम अभी नाराज हो गए आप। अरे भाई, हम नाराज नहीं होते आपको। आप देखो, अभी खुद बोल दिए कि आप लॉजिकल नहीं है, तो जो एक इंसान खुद इलॉजिकल है वो कुरान को लॉजिकल साबित करने के लिए आया है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। देखिए आपको फिर भी मैंने कितना टाइम दिया, देखिए कितना टाइम दिया आपको, कोई चीज साबित करी? कुछ चीज आपने एक भी साबित कर पाए आप? पहले कॉमन ग्राउंड पे आते हैं जहाँ पे हम एक साथ बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? आप जैसे लोगों की आंखें खोलने के लिए जो ये कहते हैं कि कुरान इज इनफ, कुरान इज नॉट इनफ, कुरान इज इनकम्प्लीट। नहीं खोलना है तो मत खोलो, आप खुद देख रहे हो ना, आप खुद आके देख रहे हो ना, इस वजह से नहीं खोलना है, मत खोलो। बी लॉजिकल, इट्स अप टू यू। आप क्यों खोलना चाहते हैं? मत खोलो। अरे इसका जवाब ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मैंने आपको कहा कि मैं, सुनो, मैंने आपको कहा ना कि ताकि आप जो है थोड़े लॉजिकल इंसान बनो, आप अपने अंदर का ये जो इलॉजिकल आपकी बातें हैं उससे आप निकल जाओ, इसलिए चाहते हैं। नहीं निकलना है तो मत निकलो यार। साहिल भाई कसम से यार, यही तो जुर्म है ना मेरा, यही तो जुर्म है ना मेरा। साहिल भाई, मैं समझ रहा था आप बड़े रैशनल और लॉजिकल हैं, मैं समझ रहा था हम आज भी रैशनल और लॉजिकल है। आपने अपने मुंह से कहा है कि मैं इलॉजिकल हूँ, मैं लॉजिकल नहीं हूँ। मेरे से आपने कहा ना, किसने कहा मैं लॉजिकल हूँ? आपने कहा ना थोड़ी देर पहले, आप कह रहे हैं। अरे थोड़ी देर पहले आपने कहा, आपने, आप कह रहे हैं कि ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपकी पर्सपेक्टिव है कह रहा हूं मैं। वो अच्छा, आपके हिसाब से आप लॉजिकल हैं? कुरान की रैशनलिटी चेक कर सकता हूं? हां, तो अरे वो खुद मानते हैं कि रैशनल नहीं है। नहीं भाई, कौन, देखिए आपकी साइकोलॉजी की समझ यहीं पे मालूम हो जाएगी। एक मिनट भाई, अच्छा एक मिनट, एक बताओ, चींटी जो होती है वो सुलेमान अलैहि सलाम वहां से गुजर रहे हैं और वो आपस में कह रही है कि भाई निकलो यहाँ से, भागो, सुलेमान आके रौंद के चले जाएगा, ये रैशनल है? हाँ देखो, यहाँ पे अब एक साइंटिफिक बात भी कितनी लोग निकालते हैं, मुझे पता नहीं वो सही है क्या गलत है। अब यहाँ पे, अरे ये रैशनल है क्या? चींटी जो है वो सुलेमान को देख रही है, उसको सुन रही है, ये रैशनल है? और ये कह रही है अपने साथियों से कि निकलो यहाँ से, नहीं तो सुलेमान की फौज हमको रौंद के चले जाएगी, ये रैशनल है आपके हिसाब से? देखिए, अब अगर हम अगर हम इस बेसिस पे सोचें कि वो डिवाइन पावर रखते हैं सुनने का, तो रैशनल है। तो यही है ना कि आप अंधविश्वास करते हैं? अंधविश्वास तो हर कोई करता है। आप करते हो या नहीं करते हो सिर्फ इतना बताओ, बाकी उनका छोड़ दो। नहीं, अब हमारा भी तो ऐसा ही है ना, हमको मजबूर होना पड़ रहा है कि अंधविश्वास करना है हमको। तो है ना, आप अंधविश्वास कर रहे हो ना, मान रहे हो इस बात को? मतलब फेथ भी तो कुछ चीज होती है ना, हम वही फेथ को ही अंधविश्वास कहते हैं मेरे भाई। यही तुम्हारा फेथ है कि चींटी सुन रही, सुनो मेरी बात,
यही जो तुम्हारा ईमान कह रहा है ना तुमको, फेथ, कि चींटी जो है वो सुनती है और उसके बाद वो वहां से भाग रही है और उसके बाद वो सुलेमान, हजरत सुलेमान जो है वो सुन रहे हैं, या आपने कहा ना कि डिवाइन है इसकी वजह से मानता हूं मैं, तो इरेशनल है लेकिन आपका ईमान है इस वजह से आपको ये मानना पड़ रहा है, करेक्ट? हाँ, ये बात कह सकते हैं। तो अंधविश्वासी, अंधविश्वासी हुए ना आप? हर कोई अंधविश्वासी है? हर कोई की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, आप अंधविश्वासी अपने आप को मानते हो? देखिए यहाँ पे आप कॉन्स्पिरेसी या फिर ऐसा ये हवा, अरे मेरे भाई जब हर कोई अंधविश्वासी आप कह रहे हो उसमें, एक मिनट, आप जब हर कोई अंधविश्वासी कह रहे हो उसमें आप शामिल हो क्या? नहीं हो? नहीं, कुछ चीजों में हम बिन देखे ईमान लाते हैं। वही कह रहा हूँ, अंधविश्वासी है ना, बिन देखे आप ईमान जो ला रहे हैं, अंधविश्वासी है क्या? नहीं है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, कुछ चीजों में हम अंधे विश्वास लाते हैं। तो अंधविश्वासी है ना आप? अच्छा भाई ठीक है, चलो है। Exactly, बस इमाम आपको इनसे बात कर, नहीं मेरे ख्याल से इनसे बहुत कुछ बात हो चुकी है। तो गाइज फाइनल कंक्लूजन ये है कि इतनी बड़ी डिस्कशन होने के बाद एट द एंड हमारे आलम स्केप्टिक साहब जो इंजीनियर है, ये फाइनली चूंकि अंधविश्वासी है इस वजह से इनको कुरान की कई सारी इरेशनल चीजें जो है वो माननी पड़ती है क्योंकि एट द एंड ये अंधविश्वासी है। बहुत शुक्रिया आलम साहब आपका, नेक्स्ट टॉपिक पे आप फिर से जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, वो आप एक्सपेक्ट करो या नहीं करो, अभी क्या कहते हैं उसको, व्हाट यू से, विक्टिम कार्ड मत खेलना मेरे भाई। आपको हमने बहुत मौका दिया, एक घंटे के ऊपर शायद मौका दिया, यू आर नॉट एबल टू प्रूव एनीथिंग। इस्लाम हमने